सो हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे म्यूनिकी AU-A04 माइक का, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है और ये मैंने यूट्यूब ब्लॉगिंग और गेमिंग के लिए किया है। तो चलिए देखते हैं इस माइक परचेस करने पर क्या क्या कुछ मिलता है, बॉक्स में क्या आता है और इसका क्वालिटी कैसा है, तो देखते हैं। तो पहले हमारा बॉक्स इधर निकल चुका है और इधर अमेजोन का रिसीव वगैरह और पैकेजिंग तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है और अमेजोन से थोड़ा टूट फूट के टेरा मेरा करके आया, तो जो भी हो तो इसे हम पहले खोलेंगे तो खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो गाइस इधर कोई सील वगैरह ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला है, तो ये ऐसा ही बस बॉक्स है, तो मेरे को जो भी है फिलहाल ऐसा ही है। और इधर ऊपर में आप देखेंगे तो इधर ऐसा कुछ सजावट है और इसका कूपन कार्ड जो है और इसके साथ इसका जो यूज़र मैनुअल जो बोलता है म्यूनो का, तो इजी टू हैंड ऐसा कुछ है, बहुत सारा लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ऐसे फ़िलहाल। तो इसी के साथ आपको एक पॉपअप फिल्टर और एक वार्म फिल्टर देखने को भी मिल जाएगा। अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक सा है। और इधर आपका जो स्टैंड है उसके ऊपर लगाने के लिए स्क्रू, तो बहुत ही ये भी कहूँगा ठीक ठाक ही है। और इसके ऊपर म्यून की एक ब्रांड और लोगो कुछ ऐसा छपा है। और इसके नीचे ही देखेंगे कि हमारा जो माइक का जो स्टैंड है जिसके ऊपर माइक लगने वाला है, तो एक मिल जाता है जिसके ऊपर आप अपना जो माइक है वो अब लगा लेंगे। एक बहुत ही हार्ड मेटल और रबर से बना हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे इस चीज़ को, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद देखेंगे हमारा जो केबल है USB A to B है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब USB A to B दोस्तों जिन लोगों के पास प्रिंटर है और लोग पहचान सकते हैं कि प्रिंटर में भी कुछ ऐसा केबल आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो इस माइक में भी ऐसा है। और एक माइक प्लग एंड प्ले है, आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा पैकेट में से निकल आता है जो कि क्या है, टेबल का एक लॉक, जो कि आप टेबल के साथ इससे लगाओगे। तो फिलहाल मेरा टेबल थोड़ा बड़ा है, राउंड जैसा है, तो मैं इसको टेबल में नहीं बैठा सकता, किसी और के साथ मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को अभी अच्छा तस्वीर वगैरह इसका फुल नहीं दे पा रहा हूँ। अगर हो सकता है तो मैं दे भी दूँ, तो देखते हैं वीडियो के। और इसके बाद इसका आता है बड़ा सा स्टैंड। दोस्तों मैंने जब माइक ख़रीदा था, मैंने जो अमेजोन की जो रिव्यू देखी था, बहुत लोग कह रहे थे कि ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बट मेरे को ठीक ठाक सा लगा, उतना अच्छा नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है कि आप इसे बुरा कहे, तो मतलब कि ठीक ठाक सा है और बजट फ्रेंडली में भी, मतलब कि माइक के साथ आता है, ये बहुत ही अच्छा बात है। तो इसके जो स्प्रिंग है वो बहुत ही हार्ड है, वो आप सीधा बड़ा टेढ़ा जो कुछ भी कर सकते हैं। और ये है आपका फिक्सिबल, जो कि है कुछ स्क्रू टाइप का है, आप इसे टाइट कर सकते हैं, टाइट करके इधर उधर जहाँ चाहे आप लगा के घुमा सकते हैं। और मिडिल में भी एक दिया जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद आया। ऐसा कुछ स्क्रू है, बहुत ही अच्छा है, आप टाइट लूज़ वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा माइक। अगर आप इस माइक को देखेंगे, एक कंडक्टर माइक है, मतलब कि आपको इसे पास में रखकर ही बात करना पड़ेगा, दूर की कोई आवाज़ और नोइज वगैरह ये नहीं रहता है। और सामने जो म्यूनो का ब्रांड है, अब उसी तरफ मुँह करके इसे बात करें, पीछे से कोई भी साउंड नहीं लेता है। तो इसका जो वॉइस है दोस्तों कैसा है मैं बता देता हूँ, अभी अभी जो मेरे मुंह से जो फुल ऑडियो आप सुन रहे हैं, ये मतलब कि अनबॉक्सिंग होने के बाद इसके ऊपर से मैंने इस माइक से ही वॉइस भर दिया है। तो ये माइक कैसा है आप अंदाज लगा सकते हैं, कितना अच्छा है आपके लिए, कितना बुरा है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये माइक चाहिए या फिर आप कोई दूसरे ऑन ब्रांड में जाए। अगर कीमत की बात करें
तो कीमत आप 4000 के अंदर अंदर इसे आप ले सकते हो। कभी कई कई बार ऐसा होता है कि डील में अमेजोन में आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाए, बट मेरे को ऐसा नहीं, प्राय मेरे को 3000 से 4000 के अंदर प्राय, तो डील अभी ऐसा ही है। तो जो भी है आपको वही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई और चॉइस आप कर सकते हो, बट मेरे को इस माइक जो ऑडियो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मेरे को ये माइक लेके मैं एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो।